हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सोल एडमिशन 2022। जी हाँ, जो इस साल के जो न्यू एडमिशन होने हैं फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्या सोल में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा, क्या एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या नंबर होने चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप सोल में एडमिशन लेने वाले हो और आपकी ट्वेल्थ क्लियर हो गई है या हो जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको सोल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ सोल है क्या। पहले तो हम इसकी बेसिक डिटेल आपको बता देते हैं। सोल, जिसे स्कूल ऑफ लर्निंग बोला जाता है, जिस आपको पोस्टर दिख रहा होगा, ये इनका ऑफिशियल लोगो है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के नाम से इसे जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है जो कि उन स्टूडेंट का एडमिशन कराता है जिनका एडमिशन रेगुलर कॉलेज में नहीं हो पाता किसी कारण की वजह से, प्लस जो सर्विस में होते हैं, प्लस जिनकी आर्थिक हालात रेगुलर वाली नहीं होती, या जो वो स्टूडेंट जो जॉब करने के साथ साथ डिग्री कोर्स भी करना चाहते हैं, तो सोल के अंदर उन स्टूडेंट का एडमिशन होता है। तो सोल के अंदर डेली ईयर यानी हर साल एडमिशन का प्रोसेस चलता है, और इसमें हर साल का जो रिकॉर्ड है वो 1.5 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा माना जाता है। बट इस साल इसका जो रिकॉर्ड रखा गया है वो 2 लाख स्टूडेंट का रखा गया है, यानी कि इस साल सोल के अंदर काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, जिसकी वजह से सोल ने एक गुड न्यूज आपको दी है। जी हाँ, आपने देखा होगा थंबनेल पे गुड न्यूज भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो एडमिशन सुन लीजिए। ठीक है, एडमिशन की जो इसकी प्रक्रिया है वो जुलाई से अगस्त के बीच में शुरू होगी, और इसके जो एडमिशन है पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस होगा, मतलब कि आप साइबर कैफे में या सेल्फ में भी एडमिशन करा सकते हो। बट इससे पहले सोल के अंदर एक नया रूल आया है। रूल ये है कि सोल में एडमिशन लेने के लिए आपके ट्वेल्थ में 33% अंक ही अनिवार्य है। मतलब कि पहले क्या होता था, सोल में एडमिशन लेने के लिए अगर आप प्रोग्राम कोर्सेज करते थे तो आपके 40% नंबर ट्वेल्थ में होने चाहिए थे, और अगर आप ऑनर्स करते थे तो आपके 55% नंबर होने अनिवार्य थे। बट इस बार क्या है, सोल ने अपना ये जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, जो ये आप इसका जो सिस्टम है वो पूरा चेंज कर दिया है। सोल ने ये इसलिए किया है क्योंकि ड्यू के अंदर अब एंट्रेंस टेस्ट पे एग्ज़ाम होगा, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाता तो सोल अब उसका एक आखिरी रास्ता बचता है दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए। तो सोल के अंदर सिर्फ 33% नंबर आपके होने चाहिए। आप सोल में से 5 कोर्सेज सोल के अंदर होते हैं, 5ों में से आप किसी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। सोल के जो कोर्सेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स इंग्लिश और बीकॉम ऑनर्स, ये 5 कोर्सेज है, और इन 5ों कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके ट्वेल्थ में 33% नंबर ही अनिवार्य है। मतलब 33% भी अगर आपके है तो भी आपका एडमिशन इन 5ों में से किसी भी कोर्सेज में हो जाएगा। ना इसमें मेरिट होता, ना आपका इसमें कोई टेस्ट होगा, डायरेक्ट इसमें एडमिशन हो जाएगा, और डायरेक्ट आपको आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस जैसे ही एडमिशन शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो जुलाई से अगस्त के बीच में स्टार्ट होगी, और जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे हम आपको बता देंगे न्यू एडमिशन 2022 सेशन के। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, आने वाले टाइम पे काफ़ी हेल्प होगी, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। तो अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।